प्रिंस ने पूछा है, व्हाट इज योर इनकम? अरेंज मॅरेज आहे की लव्ह? हुंडा घेतला का? वहिनी बरोबर काही कॉन्टेंट करणार केलं? रोमजान कैसे जा रहे है आपके? सेलिब्रिटी बनने के बाद भी इतनी सिंपल वेडिंग क्यों करी आपने? भाई आपकी मैरिज सही में हो गई या वो गाने का शूट था? इस वीडियो पे अगर 60,000 सब्सक्राइबर पे मैं करूंगा, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? हनीमून पे का ये सबको इतना क्यों इंटरेस्ट है हमारे में? विल यू मैरी मी पण विचार लेकर काय सांगे? हनीमून नहीं गया, शेख मतीन ने पूछा। एक्चुअली अगले महीने जाने का प्लान है थोड़ा सा, लेकिन अभी फिगर आउट कर रहे हैं थोड़ा सा। किधर जाना चाहिए मेरे को बताओ थोड़ा। एक्चुअली इनको बोलना है कि लोकेशन अपना? नहीं, सीक्रेट है। तो हम जो लोकेशन जाएंगे वो उसका सीजन, पीक सीजन स्टार्ट होता है अप्रैल से, सो वी आर वेटिंग फॉर अप्रैल टू कम। हाउ इज मैरिड लाइफ? नाइस। आई तो डोंट फाइंड एनी डिफरेंस। हां, वो है कि हमको फर्क नहीं ज्यादा समझ में आ रहा है। दादा अरे तू परत जाड व्हायला लागला। हा पुनीत इतका बिझी झाला काही रील बनवण्यात? पुनीत के लिए ये। अरे प्रणीत आहे पहिले तो। प्रणीत सॉरी। यस, तुझं लव्ह मॅरेज झालंय काय? हो आमचं लव्ह मॅरेज झालंय। प्रिन्स ने पूछा है व्हाट इज युअर इनकम? ऍक्च्युअली तुमको बोलू क्या, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं होता मतलब मेरे को भी पहले ऐसा लगता था कि मैं वाई नॉट जस्ट शेयर द नंबर्स, पर थोड़ा सा एक तो ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब इट इज नॉट कूल, एंड सेकेंडली क्या हो जाता है ना कि मैं दूसरे जब क्रिएटर्स को देखता हूँ ना, मेरे को भी ऐसा लगता है कि बता दो ना कितना कितना कमा रहे हो, उसमें क्या है। लेकिन पता नहीं, अगर तुम पर्सनली मेरे को मिलोगे कहीं पे और तुम पूछोगे तो मैं लिटरली बता दूंगा कितना क्या क्या होता है, लेकिन ऐसे पब्लिकली वीडियो में ऐसा डॉक्यूमेंट करना इतना सही है। अरेंज मैरिज आहे की लव्ह? हुंडा घेतला का? नाही हुंडा नाही घेतलाय। जस्ट तू हुंडा का होता है? हाँ, जस्ट नहीं शादी में नहीं, मैरिज के टाइम पे लोग लेते हैं हुंडा, नहीं लेना चाहिए। लेकिन फेरे लेने से पहले अट असते का? हाँ, करता लोग नहीं। हाँ, हमने क्या किया एक्चुअली, तुमको बोलता हूँ, हमने कोर्ट मैरिज किया बेसिकली क्या है, और मैरिज भी हमने ना मंगल कार्य लिया ना इधर लिया, हमारे मेरा जो घर है इटखेड़ा, इटखेड़े में शादी किया घर पे, घर के अंदर साइन किया, घर के बाहर के साइड में ही बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया था, और वो ही पहले से प्लान था दोनों का भी कि ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, फटक से शादी हो जानी चाहिए। तो इसलिए हमको ट्रांजिशन भी इतना कुछ इतना वो नहीं लगा कि ऐसे बहुत बड़ा इवेंट और 2,000 लोग आ गए और ऐसा कुछ नहीं लगा। It has been very smooth. जैसे लोग जब पूछते हैं कि कैसा लग रहा है शादी करके, तब लगता है how is married life? नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा। मुझे पूछ रहे बहुत लोग। तेरे को कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या संकेत? क्या तुम्हारी शादी? हाँ, हमें नहीं ना। Top 3 movies as of now which you can watch anytime and for n number of times in lifetime. Pranita ne pucha hai. Ye to mera favorite question hai. Top 3 movies are, to first is I think जो मैं बार बार देख सकता हूँ, दैट इज इनसाइड आउट, बहुत बार देख सकता हूँ पिक्चर। सेकेंड तू जो क्या है? मैं एक्चुअली मूवीज आई डोंट नो, मूवीज ऐसे बहुत रिपीटेडली मैं नहीं देख सकती, पर मैं सीरीज में मैं देख सकती हूँ, बहुत देख सकती हूँ। हाँ, मैं द ऑफिस में, द ऑफिस, हाँ तो पहले इनसाइड आउट, फिर द ऑफिस में रिपीट पर फिर से देख सकता हूँ, और ब्रेकिंग बैड कड़क। अरे सेट अपना सबसे कॉमन क्वेश्चन, शादी के बाद सब कैसा चल रहा है, शादी के बाद कैसा फील हो रहा है, वहिनी बरोबर काही कॉन्टेंट करणार केलं, आता व्लॉग पण येणार आहे, व्लॉग मध्ये वहिनींनी कानातले हरवलेले ते पण येणार आहे, व्लॉग मध्ये व्लॉग मध्ये येणार आहे का? मी ह्या घरात, मी मुंबईला आलो ना तर व्लॉग करेन असा मी विचार केलेला आहे, इकडे औरंगाबाद आपलं इटखेड्याला जाईल तेव्हा पण एक व्लॉग करेन, त्यांना आपण एकदा इटखेडा टूर दिली आहे। वायू असेल तिकडे तर हे माझं, हे मेरा मुंबई का घर है अभी जहाँ हम शूट कर रहे हैं, और वो इटखेड़े का घर है जहाँ पे हमने शादी की, तो वो मेरा मेन घर है। रोमजान कैसे जा रहे हैं आप? हम नहीं रखते रमजान। रोमजान लिखा है आजकल, जिम नहीं जा रहे भैया मोटे हो गए। देखो बीच में ना बहुत मेरा गड़बड़ हो गया ट्रैवल करने में, इधर उधर मुंबई इटखेड़ा मुंबई इटखेड़ा मुंबई इटखेड़ा करने में,
और शादी थी तो उसके पहले मैं शूट के मन धागा के शूट के लिए निकल रहा था, मेरा यहाँ पे ये सोफे को पैर लग के ये वाला पैर का ये उंगली फ्रैक्चर हो गया, तो उसके लिए फिर मैं वर्कआउट भी नहीं कर सका, वॉक भी नहीं कर पा रहा था धीरे से, तो शादी के वीडियो में मैं ऐसे लंगड़ के चल रहा हूँ। शादी में चप्पल भी नहीं, बहुत मुश्किल से पहना। हाँ, तो चप्पल जो मैं शूज पहने वाला था तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो गया, लेकिन अभी मैं एक महीने में रिकवर कर लूंगा पूरा, मतलब ये वाटर वेट चला जाएगा। सेलिब्रिटी बनने के बाद भी इतनी सिंपल वेडिंग क्यों करी आपने, बताओ सेलिब्रिटी? मैं नहीं हूँ ना सेलिब्रिटी। यार मेरे को ना पहले तो इस शादी का एज कॉन्सेप्ट वाइज हमारा ऐसा था कि मतलब बेसिकली सिर्फ गवर्नमेंट को बताना होता है कि हम साथ में रहने वाले 20 के आगे, तो हमको लगा इतना ही मैटर करता है, तो हमने उतना ही रखा, बाकी हमने कुछ ज़्यादा उसमें किया ही नहीं, हमको लगा इतना ही मैटर। और हम वी वर सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग आवर पेरेंट्स ऑल्सो। ठीक है, बड़े उत्ता चलता है। हाँ, मतलब अगर हमने इतना मार्जिन दिया है तो थोड़ा एक्सीड होगा, अगर हाँ, हमने मार्जिन ही नहीं होता तो 500 की शादी, 1000 की शादी, ऐसा हमको नहीं। हमको ऐसा था कि हमारे शादी में जो भी आ रहा है इंसान उसको देख के हमको खुशी होनी चाहिए कि अरे वाह ये आया है। लिटरली 2 घंटे में हमारी शादी हो गई थी, और उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है हमारे एक दोस्त का, उसका नाम है संकेत, उसने बहुत अच्छा मैनेज किया स्टेज पे। संकेत अभी है ना व्लॉग में भी है ना, दिख रहा है क्या? संकेत तो आप लोगों को पता, संकेत मेरा बचपन का स्कूल फ्रेंड है। हाय कर, हाथ ऊपर कर। हाँ, ये संकेत का हाल है, पफ के हाथ होंगे। स्कूल फ्रेंड है मेरा बचपन का, तो हम यहाँ पे अभी साथ में रहते इधर। भाई आपकी मैरिज सही में हो गई या वो गाने का शूट था? ऐसे भी लग सकता है ना लोगों को। हाँ, बहुत लोगों को लगा एक्चुअली कि ऐसे गाने के लिए फिर मैंने शूट किया किधर तो जाके, और ऐसे रजिस्टर किया ये ऐसे शूट को थोड़ी बता। हाँ ना, हाँ नहीं बता सकते ना, मैरिज तो हो गई है सच में, और असली में शादी की है। अपने बियर्ड सेव कर लो, सेव कर मैं ना एक्चुअली करूंगा इस वीडियो पे, अगर 60,000 सब्सक्राइबर पे मैं क्लीन शेव करूंगा यहाँ से यहाँ पूरा मुस्टैच के साथ। अभी किया था ना दिवाली में? नहीं मुस्टैच था ना, तो पर तूने बोला था 1 साल नहीं करेगा। हाँ क्लीन पूरा करूँ तो मैं भी बाल काटूंगी फिर। नहीं हाँ वो 2 मिलियन पे, 2 मिलियन का हो जाएगा रैंडम। गाइस मुझे ना थोड़े बाल काटने हैं तो प्लीज। नो क्या पैसा ही सब कुछ होता है? कैन कोलैबोरेट विद एचआर इफ यू मीन एचआर मतलब हिमेश रेशमिया, देन आई वुड लव टू कोलैबोरेट। आई लव हिमेश सर, उनके साथ कोलैबोरेट करना ही है। अभी उनकी फिल्म आने वाली है ना, फिल्म आएगी तब मैं शायद करूंगा उनसे कॉन्टेक्ट। हनीमून पे कहा ये सबको इतना क्यों इंटरेस्ट है हमारा? नहीं अभी जाएंगे ना, उनको पता है अभी ये ब्रांड उठाएंगे दोनों, मत शादी कर लिया उन्होंने। ब्रांड देखो मैं ना ब्रांड करता था, मैं शादी में भी 1-2 ब्रांड मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा बहुत ही पर्सनल चीज पे इतना ब्रांड नहीं डालना चाहिए। हल्दी के लिए आया था एक ब्रांड, शादी में तो मैं और 1-2 ब्रांड्स कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि शादी जैसी पर्सनल चीज पे वो नहीं करना चाहिए ब्रांड, ऐसा मुझे लगा, लेकिन फिर मुझे लगा गलत किया। नहीं सही किया। अरिजीत सिंह के साथ कोलैब करोगे? भाई अरिजीत सिंह को पूछो मेरे साथ करेगा क्या? मैं तो बैठा ही हूँ। अरिजीत सिंह का मुझे अगर डेट ही मिल जाए मिलने के लिए, बस उसके लिए मुझे 1 साल रुकना पड़ेगा मेरे को लगता है, बहुत बिजी रहते हैं। फ्लाइट वेवर ये थे काम, मी फ्लाइट घेतच नाही आता डायरेक्ट गाडी बोलवायची, परमेश्वर दादाला फोन करायचा आणायचं गाडी घेऊन ये 4.5 तासात त्या घरापासून या घरापर्यंत 4.5 तासात 4 hours 40 minutes टू बी व्हेरी प्रिसाइज उस घर से निकला मैं 8 से यहाँ पे पहुंच गया था। विल यू मैरी मी पण विचार लेकर नहीं, काय सांगायचं? अजून सॉन्ग्स कधी कंपोज करणार? आता करणार, आता तेच करायचं, ह्या वर्षी सॉन्ग्स कंपोज करायचे, मग लाईव्ह शो करायचा आहे, मग बाकी आपलं कॉन्टेंट तर चालूच राहील, पण व्लॉगिंग पण करणार आहे मी आता सुरू। आय थिंक हा पहिला व्लॉग म्हणून जाऊ शकतो, आन्सरिंग युअर क्वेश्चन्स। तो अभी काय हो गया, हमारा फोन का बॅटरी खतम हो गया, तो आप ना कुछ और क्वेश्चन्स हो गए कॉमेंट में डाल दो, व्लॉग में क्या देखना है वो भी बता दो, एक्चुअली और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो बस वो कमेंट में डाल दो। अभी हमारा बैटरी खत्म हो रहा है तो अपने आप बताओ। अभी हमको खाना खाना है जल्दी से, आप कमेंट में बता दो और कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आंसर करते हैं। ओके बाय। Tenze tar chimde chati se pam si pam si mam bing bing boo।